झूठी कसम देखते हैं, कहां हम तुम्हारे सितम देखते हैं। तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और प्यारी सी सुबह के साथ आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। और रूटीन के वक्त चले हैं आजकल, तो थोड़ी सर्दी होनी शुरू हो गई। आप देख ही सकते हो हमने स्वेटर पहननी शुरू कर दी है। तो अभी सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, बट ब्लॉग की शुरुआत तो करनी थी किसी चीज़ से, तो ये है मेरी ब्लॉग की शुरुआत वो प्यारे से सॉन्ग के साथ। और दिन भर क्या होता है वो तो दिन भर बताती रहूँगी आपको, अभी तो सुबह का मैं काम निपटा लूँ पहले। रॉयल, देखो जैसे रॉयल बोलते ना वैसे रॉयल है ये, तो क्या सुंदर है देखने को। जी अब सफाई, संदीप दूसरी बेटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, टॉप लेयर। अब छोटू लगा रहा है, मांग भर रहा है, अब दो चुटकी सिंदूर। सात फेरा लेनी है थोड़ा देर में। क्या बोलूं है? बैठ के बनाऊं कि परे आके बनाऊं वीडियो? चार हजार की तब लगेगी, 4000 की पेटी, जब हर्षी की घड़ी भी जाएगी साथ में पेटी में पैक करके। हो गया हर्ष, क्या भर रहे आप, पता है आपको है? क्या हूँ? बेसी नहीं की, ये तो पता होना चाहिए ना, तो मेरे को भी नहीं पता इतने सालों में। मैं तो पूछ ही करती हूँ, रेड जून है, रेड गोल्डन है, क्रीचर ठीक है, मेरे को सब बराबर लगते हैं। मेरे को सच एक जैसे लगते हैं इनका रंग तो। तो जी मैं आ गई हूँ अब चाय बनाने, और ये लोग अभी पेटियाँ भर रहे हैं। मैं ऐसे ही कैमरा करूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी बट मैं कुछ बोलूँगी नहीं, इसलिए बताऊँगी कि लोग लगे हैं काम करने। तो ये लगे सारे लोग अपने अपने काम में, क्योंकि सेब सारे निकाल दिए, नाशपाती वगैरह सारा कुछ। तो अंदर काफ़ी रश हो गया था क्योंकि सेब बहुत भर गया था, वो तो जगह नहीं थी बैठने की, इसलिए सारे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ के भरते थोड़ी हवा भी आती रहेगी, अंदर ना कमरे में गर्मी लग जाती है, तो सारे यहाँ बैठे हैं। और हमारा सारा आज किचन यहीं पे ही आया है, सारा सभी ने लंच यहीं पे किया। पहुंच चुकी हूं मैं अपने घर, बगीचे वाले घर में। जैसे आप देख रहे हो, देखो आज सीजन थोड़ा खत्म हो गया निकाल के, ये तो सारा सामान बाहर रखा है, कोई धूप में लगा के रखा है और कुछ भर के रखी पेटियां। तो सारा घर अभी सजा है पेटियों से, पूरी ये गैलरी जो हमेशा खाली रहती है आज पूरी भरी है सामान से। ये गोल्डन कुछ पीले पड़ गए, कुछ पक गए हैं, इनका साइज़ नहीं बना पर पॉलिनेशन के लिए ठीक है तो, और इनका साइज़ ठीक है, ये हरे हैं।
गिफ्ट पैक बुआओं को देने के लिए। पहले जब शादी हुई थी उस टाइम ना सीज़न ऐसा होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा सीज़न होता था। अब लोगों ने थोड़ी सी पुराने पेड़ भी ख़त्म कर दी, नई प्लांटेशन की है, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि जैसे अब क्रॉप भी कम है, क्योंकि पहले जैसे लोगों ने बीच में अपने बगीचे में काम करना छोड़ दिया था तो काफ़ी बगीचे ख़राब हो गए थे। अब नए तरीके से स्पर की वैरायटी तैयार कर रहे हैं लोग, तो उस वजह से थोड़े कम सेब होते हैं। पहले जब बहुत होते थे तो मेरे को भी ध्यान है, हम 12 एक एक बजे रात को बैठते थे सेब भरने के लिए। अब तो हम सिर्फ ये टाइमिंग रखा है 5 बजे तक, सुबह 9 से और 5 बजे तक भरो, बस वही है। ऐसा टाइम ही रखा है कि सारा सारी रात बैठे रहो आप, बहुत थक जाते थे उसमें। अब थोड़ा वैसे भी थोड़ा थोड़ा सीज़न होता है। पहले लोग इकट्ठे सारे गांव वाले क्या करते थे ना, अपने अपनी पेटियां भरते थे और इकट्ठे भेजते थे ट्रक में। जब मेरी भी शादी हुई थी तो 4-5 लोग क्या करते थे, बड़ी सी गाड़ी में इकट्ठे भेजते थे। अपना लोगों में ऐसा हो गया, अपना अपना सामान भेजना है, कोई किसी का ऑब्लिगेशन नहीं लेता कि हाँ जी आपके साथ भेजेंगे हम, थोड़ा किराया कम लगेगा। अब नहीं करते लोग ऐसा, सब अपनी अपनी यूटिलिटी ये करते हैं, 40-45 पेटियाँ भेजते रहते हैं मार्केट के हिसाब से कि मार्केट कैसी है, कम तो नहीं है मार्केट रेट, जिस हिसाब से रेट होता है उस हिसाब से भेजते रहते हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो दूसरे लोगों में ना ईगो प्रॉब्लम भी हो गई है, अब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने को तैयार नहीं रहते लोग बस ये करते हैं कि किसी को पता ना चले हमने कितनी पेटियाँ दी थी, कितने की गई पेटियाँ, ये होता है। और ये पता ही नहीं कि नुकसान अपना ही हो रहा है। नींबू का पौधा, ये आज से 12 साल पहले मैंने ख़रीदा था ये। मैं इसको ना 15 रुपए का लेके आई थी ये बूटा, एक दाड़ू का भी था, अनार का मतलब। तो वो तो हमारे पास एक नेपाली रहते थे कमला आंटी, उन्होंने निकाल दिया था उस वक्त, यहाँ होता था काउ शेड के पास लगाया होता था। ये दादाजी ने बड़ी केयर की और अब इसमें ना फल लगने शुरू हो गए, ये खिले ना फूल नींबू के, और यहाँ नींबू लग गया, ये भी लगा है, और कहाँ देखा मैंने छोटा सा भी, कहीं काफ़ी लगे हैं, वैसे एक ही नहीं है ये, यहाँ पे भी लगा है नींबू। ये कागजी नींबू बोलते हैं इसको, तो दादाजी इसकी ना बड़ी गुड़ाई करते थे इस नींबू की, और हर हफ्ते में ना इसमें गोबर डालते रहते थे, तो ये दादाजी की निशानी है। देखो दादाजी ने आज हमारे लिए ये नींबू का पेड़ छोड़ दिया यहाँ बना के। इसमें 12 महीने लगते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या हुआ था ना, 2 साल पहले बर्फ़ पड़ी बहुत ज़्यादा, उससे ये टेढ़ा हो गया। छोटू ने इसमें सपोर्ट लगाई थी डंडे की, ये अब ठीक है, ये अब फसल देना शुरू कर दिया इसने दोबारा से। इस कीवी की स्टोरी भी ऐसी है, ये दादाजी को ऐसा लगा कि इसमें कुछ लगता तो है नहीं, क्योंकि 2-3 साल इसमें कुछ भी नहीं लगा, तो दादाजी ने सोचे इसमें कुछ नहीं लगा तो मैं इसको काट दूंगा। तो यहाँ जो मेन जड़ है ना नीचे, मेन जड़, इसके पास दादाजी ने काटना शुरू कर दिया था कि मैंने रखना ही नहीं है इसको। आज देखो इसमें कितनी कीवी लगी है। और मसाला वगैरह भी ला के ना एक लेयर लगा दी ये, और एक और पत्ता ऐसे रखूंगी, और ये और इस तरीके से फोल्ड करूंगी जैसे मैंने वहां फोल्ड करके रखा है ये। और ऐसे लगाती जाऊंगी इसमें पूरे में, जब पूरे में लग जाएगा ना लेयर तो इसको फोल्ड करेंगे। मेरे मायके में तो काट के बनाते हैं, यहाँ पे ये फोल्ड करके बनाते, पीस पीस करके खाते थे, वहाँ बनाते बिल्कुल लड्डू जैसे बनाते हैं। ये फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड कर दिया,
मैंने भी यहीं आके मम्मी से सीखे, मुझे भी बनाने नहीं आते थे इस तरीके से, किसी भी क्या किसी भी तरीके से बनाने नहीं आते थे। शादी के बाद सीखा सारा ये काम, ऐसे ऐसे फोल्ड होएंगे फिर। इसी तरीके से मैं सारे ऐसे ऐसे बनाऊंगी। मेरे बन गए पतोड़, तीन ही बनाए मैंने बड़े बड़े, और नीचे इसमें पानी भर के रख दिया, इसके ढक्कन से कवर कर दूंगी। जी इस तरीके से बनाते हैं हमारे पतोड़, पर हमारे धींदड़े बोलते हैं पतोड़, तो कहीं और जगह बोलते हैं, मायके बोलते हैं, मेरे मायके में बोलते हैं इसको चीड़, कहीं इसको पतौड़ बोलते हैं, कहीं यहाँ बोलते हैं धींदड़े, तो सबके अलग अलग नाम है, अलग अलग बनाने की विधि है कैसे कैसे बनाते हैं। तो मैं इतना रिलिश नहीं करती क्योंकि मुझे ना इनको खाने के बाद ना गले में खारिश हो जाती है, तो मैं नहीं खाती, एलर्जी वाली चीज़। ये हुआ एक वो न्यूज़ बोलते हैं, किन्नौर से आते हैं वो न्यूजे बोलते हैं, जैसे चीले के बीज होते हैं वैसे होते हैं वो, पर मैं उनको भी नहीं खा सकती, मुझे उससे भी एलर्जी है। जो चीज़ें अच्छी होती है ना वो मुझे एलर्जी देती है, दूसरी मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा वो। और आप लोग कैसे हैं और वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो तो मुझे कमेंट बॉक्स से और आपके कमेंट से भी और आपके लाइक शेयर से भी पता लग जाता है कि आप कितना लाइक कर रहे हो, तो इसमें ही बहुत खुशी है। मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, हमेशा यही बोलती हूँ सपोर्ट तो कर रहे हो ना आप लोग, मुझे वही खुशी की बात है। चलिए मैं और भी कोशिश करूँ कि अच्छे अच्छे वीडियो डालूँ और आप लोगों को दिखाती रहूँ। गांव में काफ़ी कुछ होता है दिखाने के लिए, पर कभी ये हो जाता है ना कि स्किप हो जाता है, कभी आप पूरा नहीं दिखा पाते, कुछ घर के काम होते हैं, जैसे आजकल मैं वीडियो बहुत कम डाल रही हूँ, बहुत बिजी हूँ वही काम में, तो आंटी गाना गा रही है वहाँ पर, आ लोगी आंटी सुनो जो काम करवा रहे हैं अभी, तो चलो मैं भी कुछ काम करती हूँ, दो तीन लेडीज के लिए उनकी हेल्प कर रही हूँ मेरे साथ में, हाथों का बुरे हाल हो गया, काम कर करके काले पड़ गए आज, तो चलो कोई बात नहीं हो जाएंगे ठीक जब ये काम से फारिग हो जाएंगे। तो अभी मैं भी काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को नए नए वीडियो भेजती रहूँगी रोज़ रोज़। थैंक यू सो मच।